Good evening to everybody, and I'm back with you. And as you join me, जैसे आप मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, आपका स्वागत है. I welcome you all, and let us today study थोड़ा सा wisdom and foolishness. People have both. People are foolish and they also have some wisdom. बाइबल बोलती है कि फालतू की आर्ग्यूमेंट्स में मत पढ़ो. एक फुलिश आदमी जो होता है ना, उसको अपना पॉइंट प्रूव करना बहुत जरूरी होता है. लेकिन जो समझदार आदमी होता है, इतना डार्क क्यों है? ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ाओ. तो जो है, जो आदमी फुलिश होता है, उसको अपनी बात मनवाना बहुत जरूरी लगता है. लेकिन जो आदमी समझदार होता है, वो उसको पता है अगर वो ठीक है तो उसको फर्क नहीं पड़ता. ये हमारे को ध्यान में रखना चाहिए. अगर हम बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको कन्विंस कर देंगे दुनिया बदल जाएगी क्या? लेकिन अगर आप सही कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं. उसको नहीं समझ आ रही कि आप सही कर रहे हैं, तो उसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है. आप अपने आप को फूलिश आर्ग्यूमेंट से दूर रखिए. बाइबल बोलती है, बाइबल एक बड़ी कमाल की किताब है, और उसे पता है कि जो अपने आप को प्रूव राइट कराना चाहता है तो वो जो है अपने फ्लैश में काम करता है. और जो आदमी को पता है वो सही है, उसे पता है गॉड विल प्रूव हिम राइट, तो वो प्रभु पे छोड़ देता है. तो बड़ी अच्छी बात है कि हम जो है बहुत देर तक अपना टाइम वेस्ट ना करें कि हम सही हैं, हम करेक्ट हैं. क्योंकि लोगों को पता लग जाता है कौन बेवकूफ़ है और कौन वाइज है. लोग बुद्धू नहीं है, आपकी तारीफ भी करते हैं, उनको पता है कि आप बेवकूफ हैं, तो उनको पता है आप बेवकूफ. थोड़े टाइम के बाद पता लग ही जाता है कि नहीं. तो हैं क्या कैमरा नहीं, अभी चल रहे थोड़ा, तो ऐसे चल रहे थे आज दोनों, थोड़ा टाइट करते हैं हम दोनों को. नहीं, आई थिंक आवाज ठीक है. देखो ब्राइट भी हो गया मुझे. वाह वाह, क्या बात है. तो फुलिशनेस की बात करते हैं. मैथ्यू 25 और 3 और 4 में लिखा है, प्रभु कब आएगा हमें पता नहीं है. प्रभु का काम कभी हमें करना है, कभी भी हो सकता है. तो हमारे को तैयार रहना है. किस चीज से तैयार रहना है? उसके अभिषेक से तैयार रहना, उसके वचन से तैयार रहना. The five who were foolish didn't take enough olive oil for their lamps, but the other five were wise enough to take along extra oil. तो जब हम प्रभु के लिए तैयार रहते हैं, तो हमारे को अभिषेक उसका हमारे को तैयार करता है. ऑयल डिनोट्स द अनॉइंटिंग इन द बाइबल. तो अगर हमारे पास वो अभिषेक है, तो हमारे को प्रभु फूलिशनेस से बचाता है, हमारे को फालतू की आर्ग्यूमेंट से बचाता है, हमारे को फालतू में टाइम वेस्ट करने से बचाता है हमारे को. तो हमारे को तैयार किस चीज से रहना है? अभिषेक से तैयार रहना, वचन से तैयार रहना. तो हमारे से फूलिशनेस दूर जाती है. क्यों बोलती है बाइबल कि फालतू की आर्ग्यूमेंट नहीं करो? क्या हमें होली स्पिरिट आर्ग्यूमेंट जिता नहीं सकते? जिता सकते हैं, पर वो फायदा नहीं है उसका. जो भी आप बहुत ज्यादा प्रूव करना चाहते हैं, वो आपका मास होता है, आपका फ्लैश होता है. तो हमारे को अभिषेक के साथ तैयार रहना है प्रभु का कार्य करने के. Ecclesiastes 2:14 बोलता है, The wise can see where they are going, but fools walk in the darkness. नहीं, हम चलते हैं यार, हो जाएगा कैसा हो जाएगा. दूसरे दिन हड्डी टूटी है ना. Should always know किधर जा रहे हो आप. मैं जब स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मैं कूद के देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता अगर वो टूट गया तो वो 7 फुट 8 फुट नीचे. तो जैसे मुनी जी बोलती है, शैतान भी है, तो हमारे को उसके लिए भी तैयार रहना है. तो मैं कूद के देखता हूँ जगह जगह पे कि भाई पक्का है स्टेज के नहीं. ऐसे नहीं चले, प्रभु बताए, प्रभु बता, विजडम दिया है ना उसने,
कई बार प्लान एकदम होता है सर, बचा हूं मैं नीचे जाते, अब आज तक प्रभु ने बस एक बार जम्मू में तोड़ दिया था औरतों ने स्टेज, लेकिन वो बहुत नीचा था, चलिए उसकी कोई बात नहीं, वो नीचा था, पर ये जो 8-8, 10-10, 12 फुट के स्टेज होते हैं, आदमी गिर जाए उसमें, तो वन हैज टू सी व्हाट इज डूइंग। पहले जाके वहां दुआ कीजिए ग्राउंड में आप, फिर वहां पे आप सब देखिए ग्राउंड कैसा है, सेटअप देखिए, यू नो द वाइज नो वेयर दे आर गोइंग, यू अंडरस्टैंड। A person who can give a good message always has a beginning, a middle and an end. Even if you don't know it, the Holy Spirit puts it in your mind. कि लोगों को समझ आए। आप बोलते रहिए अपना, यार मैं बोलूँ मैं सिर्फ tongues में ही message दूँगा। तो बेवकूफ हूँ ना मैं? अब तुम्हें नहीं समझ आ रही तुम्हारी problem है। रब अशेष्ट्र मांदा रमस्ताय का मशेष्ट्र। नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकता ना। तो वो बात बोलिए जो दूसरों को समझ आती है। उसी का फायदा है। जो लोगों के काम आए, ऐसी बातें बोलिए जो लोगों के काम आए। बेकार की बातें, नकारा बातें, क्या इसमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। तो अच्छा है, आइए जो जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। परमेश्वर नायर जी, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर भवन एस्तर हारा जी, प्रेज द लॉर्ड। एडीवी सिंह, प्रेज द लॉर्ड, यू वॉच वेरी रेगुलरली। रिजवानी हरेश, नितेश प्रेमचंदानी, प्रेज द लॉर्ड। भावना शिशपाल, नितेश, प्रेज द लॉर्ड। हॉनी नायर, प्रेज द लॉर्ड। सीता कुटी, प्रेज द लॉर्ड। रॉबिन मसी, सबका स्वागत है। नितिन का स्वागत है, नायर साहब मेरे टॉप फैन है, उनका स्वागत है। मार्कस गिल जी का स्वागत है, सुजीत खान जी का, और बहुत सारे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, सबका स्वागत है। जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। विजय भशाल जी बहुत, अरे चलो अच्छा हो लाइव आ गए हम। यस यस, एब्सोल्युटली। तो सी वेयर यू आर गोइंग। हवा में तलवारबाजी मत करिए, उसको कुछ फायदा नहीं होता। हवा तो कटती नहीं है, मरती नहीं है। तो जब आप कहीं जाते हैं तो देखिए वो राह, देखिए आप राह को, देखिए आप कि आप किधर जा रहे हैं। Proverbs 13:16 says, wise people think before they act. कोई भी कार्य करने से पहले जो एक बुद्धिमान आदमी होता है, अगर इनको तो wise people think before they act and fools don't and even brag about their foolishness. मैं हेलमेट के बिना गाड़ी चलाने से पड़ गया था। मैंने कहा मैं अंधेरे में भागूंगा, मैं दिख नहीं रहा था कुछ, मैंने कहा मैं हीरो बनूंगा। थैंक यू। I've seen foolish people brag about their foolishness. मरते मरते बच गया, अच्छा। Maybe it would have been better. See, many of us have those qualities, we don't recognize them. Hallelujah. Pastor Balinder Singh, Hallelujah. हर वक्त सोचिए आप क्या करने जा रहे हैं। प्रभु में बोस्ट कीजिए, अपनी बेवकूफी में बोस्ट मत कीजिए। और प्रोवर्ब 3:35 बोलता है, नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसकी 35वीं आयत, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। द वाइज इनहेरिट ऑनर, इट मे टेक टाइम, बट फूल्स गेट ओनली शेम। आपको थोड़े फूल चाहिए क्या? टमाटर अंडा है ना, ब्रिकपैट्स आते हैं लाइफ में, प्रोसिक्यूशन आती है। अगर आपका चर्च कभी प्रोसिक्यूट नहीं है, और आप जो मुझे देख रहे हैं कभी प्रोसिक्यूट नहीं हुए, तो आपको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो आदमी को
इस्तेमाल करता है प्रभु, उस पर प्रोसिक्यूशन जरूर आती है, पर प्रभु उसे निकाल लेता है और दुश्मनों को हरा देता है, पर तकलीफ से जाना पड़ता है, क्योंकि जो आदमी सच बोलता है सब उसके साथ नहीं चलते हैं, झूठ के साथ चलने वाले बहुत लोग होते हैं। मैथ्यू 7 की किताब में लिखा है कि आप पढ़िएगा घर पे, कि प्रभु यीशु बोलता है जो आदमी मेरे वचन सुनता है और करता है, तो चर्च की बात हो रही है, चर्च में ही उसके कलीसिया में ही उसके वचन बोला जाता है, जो मेरी बात सुनता है और करता है वो अपना घर जो है चट्टान पर बनाता है। आंधी फिर भी आती है, तूफान फिर भी आता है, पर वो घर गिरता नहीं। लेकिन जो आदमी सुनता है और फिर पेड़ा बन के पेड़ा खाने की आदत होती है तो पेड़ा एड़ा हो जाता है, ये समझने की बात है। आप पेड़ा बन के पेड़ा खाएंगे तो आपका पेड़ा जो आप सोच रहे हैं स्वीट पेड़ा, वो एड़ा हो जाएगा। इट्स अ नाइस कोट। तो हमारे को जो है जो प्रभु बोलता है वो करना, जो नहीं करता है सुनता वैसे ही है, हालेलुया भी शायद ज्यादा बोलता है, प्रेज द लॉर्ड भी शायद ज्यादा बोलता है, लेकिन करता नहीं। उसका घर ऐसा ही दिखता है संगमरमर का बड़ा अच्छा जैसा दूसरे का, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो रेत पे होता है, रेत शिफ्ट करती है, और जब आंधी आता है तूफान आता है तो प्रभु यीशु की प्रोटेक्शन नहीं होती, वो घर गिर जाता है। सो व्हाई नॉट कीप इट सिंपल, Enjoy your life. Don't be foolish. See what you are saying. ये जुबान जो है ना आदमी की, कुछ भी बोलती है। और जो आदमी अथॉरिटी में है उसको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए अपनी जुबान से। इसलिए नहीं कि आप सब कुछ बोल सकते हैं और सुनेंगे तो आप कुछ भी बोले, तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं कोई दुनिया में। जो आदमी अथॉरिटी में है उसको तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए जो बोल रहा है, होली स्पिरिट की मदद से बोलना चाहिए क्या बोल रहा है। तभी मैं चाहता हूं कि अथॉरिटी जो होती है ना, प्रभु लोगों को अर्न करके दे कि उनको उसका महत्व पता लगे। अगर अथॉरिटी बिना अर्निंग के मिल जाती है तो फिर आप ही कुछ भी बोल देता है। अर्न करें जब आप अथॉरिटी, जब उसके पीछे आपका संघर्ष हो, प्रोसिक्यूशन हो, ये चीजें हो, तो आपको पता रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। जिसको अथॉरिटी ऐसी मिल गई है किसी वजह से, किसी की वजह से, वो कुछ भी बोल देते, गलत बात। सिंह दविंदर जी, सत्य राजन बेहरा जी, सिमरन कौर जी, नितिन पंचाल जी, वलिंदर जी, प्राची जी, चावला जी, सत्य रंजन बेहरा जी, फ्रांसिस्को चिकन जी, जितेंद्र तिवारी जी, सीता कुटी जी, कंचन नागदेव जी, अर्जुन बरसवाल जी, प्रभु दुगना अभिषेक दे आपको। धन्यवाद अर्जुन जी, प्रभु आपको भी सलामत रखे, आपके परिवार को सलामत रखे, आपकी मिनिस्ट्री को सलामत रखे, हमेशा बढ़ते हुए। कंचन नागदेव जी, जितेंद्र तिवारी जी, सबका स्वागत है। तो प्रोवर्ब्स 12:15, यू नो द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड इज Not getting no advice, but getting wrong advice. And a fool, वो सोचता है कि आपको smart, listens to wrong advice. और उसका long term effect जो होता है, बहुत devastating होता है। समझ रहे हैं? चाहे वो पैसा हो, चाहे वो spirituality हो, चाहे वो प्रभु का कार्य हो, वो सब जो है, वो हमें बहुत सोच समझ के करना। Proverbs 12:15 पढ़िए। नीति वचन उसका 12वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वो बुद्धिमान है। मैं क्रूसेड पे कहीं जा रहा हूँ तो मैं फोन करूंगा, कैसे हालात, मैं पूछूंगा भी कहाँ हो रहा है,
सब परमिशन ले लिए हैं कि नहीं ले लिए? नहीं नहीं प्रभु सब कर रहा है। यही तो पकड़ता है शैतान कि आपका फ्लैश बोल रहा ले, हम तो बड़ी चीज है। सिक्योरिटी है क्या? वॉलंटियर्स है क्या? हीलिंग टीम है क्या? सब चीजों को पता करना चाहिए। प्रभु बोलता शाबाश, तेरे को मैंने सिखाया है कि ये सब चीजें जरूरी है, तो तू पूछ रहा है कि नहीं? तो आंखें बंद करके आप कहीं गिरेंगे तो आप ठोकर ही खाएंगे ना। तभी मैं कभी कभी बोलता हूं कि प्रार्थना में आंखें खोल लीजिए। सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप बाइबल में एक मेरे को वर्स बताइए जहां पे लिखा है क्लोज योर, लेट अस क्लोज आवर आईज एंड प्रे। ओके, क्लोजिंग क्लोज कीजिए आप आईज पर। ये कहां बाइबल में एक वर्स बताइए मुझे कि हम अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं? कभी कभी आंखें खोल के प्रार्थना करनी चाहिए, पॉल की तरह अपनी आत्मिक आंखें खोल के प्रार्थना करनी चाहिए। ये आंखें भी बंद और आत्मा की आंखें भी बंद, वो भी बोल रहा है प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना लेने वाला भी बोल रहा है, तो म्यूजिक हो रहा है उधर। हमारे यहां नहीं, शुक्र है। हम बोलते हैं प्रभु जो भी बेवकूफी आया हमारे में अपने लिए बोलिए, जो भी फूलिशनेस है हमारे में प्रभु वो हम चाहते हैं कि आप दूर कर दें, और आप हमें सद्बुद्धि दें कि हम चीजें जान के जांच के आपकी कृपा से आगे बढ़े। आमीन। Proverbs 11:30. नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। किसी आदमी का कोई भी दोष नहीं है ना, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। अगर किसी का कोई भी दोष नहीं है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। क्यों नहीं है उसका कारण होगा, या तो वो पकाता है या रुकत कंप्लेंट करता है, है ना? There are two kinds of people in the world: the grumblers, the complaint makers, and the doers. दुनिया ऐसी ऐसी चीज़ है। The doers are the one who have earned their respect because of trials, errors, and hard work, and they've got their authority through work. And the grumblers and others are who blame everybody else are those who have got their authority without any work. You understand? तो हमारे को क्या करना है? Proverb 11:30 में मेरे a wise person wins friends. हमारे को किस लिए भेजा गया है दुनिया? पत्थरों से दोस्ती करनी है, बसों से दोस्ती करनी है, कारों से दोस्ती करनी है। हमें लोगों से दोस्ती करके उनको प्रभु के बारे में बचाना है। अगर हमारे को लोग ही नहीं अच्छे लगते तो किसको बचाएंगे? वो ऐसा है, उसकी नाक लंबी है, उसका कान बड़ा है, क्या मतलब है ना? We have to genuinely like people and see the goodness in them. You know, Bible में आप पढ़ेंगे तो किसी को ब्रॉन्ज के काम में प्रभु ने विजडम दिया, किसी को बिल्डिंग आर्किटेक्चर में प्रभु ने विजडम दिया,
किसी को हीलिंग में प्रभु ने विजडम दिया, साइन वंडर मिरेकल में किसी को विजडम दिया, किसी को लोहे का काम करने में विजडम दिया, किसी को वॉरियर बनने का विजडम दिया, एक जंग लड़ने वाला का विजडम दिया। तो जो आपकी गिफ्टिंग है उस गिफ्टिंग में आप चले। मुझे प्रभु ने धन्यवाद करता हूं कि प्रोफेसी की गिफ्ट दी है, लेकिन मैं रोज नहीं नाचता फिरता हूं प्रोफेसी आ गई प्रोफेसी आ गई प्रोफेसी आ गई, तेरा साथ हो जाएगा तेरा साथ नहीं, फायदा क्या है? प्रभु अगर कोई करता है, मतलब मैं सबको नमस्कार करता हूं प्रणाम करता हूं, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं ऊपर से वो डस्ट गिर रहा है अभिषेक में, तो उससे किसी को क्या फायदा होगा? गोल्ड डस्ट मेरे हाथ पे आ गया, उसको फिर आदमी जाके धोता है, भागता है, आदमी जाके बाहर धोता है, निकल नहीं रहा भैया। प्रभु ऐसा मेरे ख्याल से तो कार्य नहीं करेगा कि जिसका कोई फायदा ही ना हो। एक बार हमारी मेरी मीटिंग में लोगों के हाथ में ऑयल आ गया था, वो मैं समझता हूं। गोल्ड डस्ट का क्या करेगा? या तो रियली ब्लैक ब्रेसलेट वगैरह गिरे, डायमंड्स गिरे हैं, चलो भैया ठीक है ना, जिस चीज का कुछ सॉलिड गोल्ड फायदा वो ना। एक्ट 7:22 पढ़िए, बहुत पावरफुल वर्स है। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। मेहनत करनी पड़ती है, और वो बातों और कामों में सामर्थी था। बातों और कामों में सामर्थी था। एक हफ्ते में डेढ़ हफ्ते में पता लग जाता है कि आदमी अपना वर्ड रखता है नहीं रखता है, जो काम बोलता है करेगा नहीं करता है, या जो उसने बोला था कंप्लीट करता है नहीं करता है। दो तरह के आदमी होंगे, या तो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बताएंगे, लेकिन अगर वो होता ही नहीं है काम, तो फिर आदमी का फायदा क्या? हाउ विल आई डिपेंड ऑन दैट पर्सन? और दूसरा एक होगा, ये हो गया वो हो गया, उसने खराब कर दिया इसने खराब कर दिया, उस आदमी से दूर रहो जो दूसरों के बारे में उसकी वजह से हुआ उसकी वजह। मूसा क्या करता था? वो स्पीच उसकी पावरफुल थी एंड एक्शन। ये आदमी होते हैं सॉलिड, ऐसी औरतें होती हैं सॉलिड, जो स्पीच और एक्शन मैच करता है। कुछ लोग होते हैं ख्याली पुलाव बनाते हैं, ऐसा कर दूंगा पूरा प्लान्ड आउट लाइफ है। आई हैव सीन, आई विल रिटायर एट 30। लड़ो की आप पढ़िए, आप नेट पे जाइए, आई विल रिटायर एट 35। पढ़ता नहीं, पढ़ी ना, पता चला एक साल पेट खराब हो। थर्टी सिक्स हो गए, फिर बीच में डिवोर्स आ गया, 38 हो गया, फिर बीच में एक्सीडेंट हो गया। नहीं, ये मैं आपको मजाक हंसी में बता सिखाता हूं आपको चीजें, पर कैन यू प्लान द नेक्स्ट आवर द नेक्स्ट मिनट? द ग्रेस ऑफ गॉड इज नीडेड। शरण सोचता था मेरी लाइफ पूरी प्लान। मेरे को एक आदमी ने भेजा एक बड़ा सिंपल, आई शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस एंड नाम नहीं लूंगा, एंड you know I'm in a lot of problems. So I said, you can still listen to my advice, better than that come and listen to the word that I speak, your problem is over. Your problem is over, listen to what I say. Are so so sweet. When somebody wrote to me, mereko pata laga ki meri umar badh rahi hai, I am your biggest fan since childhood. Abhi wo khud bhi pastor hai, तो मुझे खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। और भी होगा कितना 25-30 साल का होगा। स्वीट ऑफ हिम, यू आर अ पास्टर ऑफ फायर नॉलेज एंड अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, आई रिसीव दैट कॉम्प्लीमेंट।
Somebody studied me, watching me for 20 years. Became a pastor. Then got hold of my number somehow and spoke to me about a month ago. How nice is that? Corinthians 7:25 mein padhta hun, but the Lord in His mercy has given me wisdom that can be trusted. Paul is saying, baap aadmi hai. Baap aadmi bolte hai na Bombay ki language mein. Dhasu aadmi hai. You mean like that. Wisdom that can be trusted. You know, the problem is, some intelligence is needed on the part of the person who is seeking wisdom. Lot of wisdom is needed on the part of the person who is seeking wisdom. Whose wisdom can he trust? And if he understands, the wisdom seeker, that you can trust Paul's wisdom, he is at the right place. But लोग जो होते हैं ना, क्या हो गया उधर है? Pizza, 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 Zomato, ये तुम दम 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 दम, choices. Mind use ही नहीं करना. 4.5 ratings, 5 ratings, 7 ratings, है ना? 7 ratings. जब pizza आया तो खाया, क्या है? ये क्या है? From the beginning of time, aaj ka youth nahi, since 2000 years ago. God mentality. So that is why so many people are misled. Their source of wisdom is wrong. Everybody will not be a wisdom giver. On some level you will be. She is a wisdom giver to him. Yeah? No, thank you, Jesus. She, you to your workers, Deepa's wisdom should be taken more. Really? Nanda, scripture, ye wo, usko batati hai kaise hua wisdom. Lekin kuch log authority mein hote hain, jinko wisdom ki authority provision. Aur jab unse wisdom aata hai, kai baar easy nahi hoga. It may be the harder way. Dekho, logon ko kya sunna hai? मेरे को एक सेकंड में पता लग जाता है, मतलब एक सेकंड नहीं, जो शुरू में आता है मुझे एक मिनट में पता लग जाता है मैं क्या बोलूंगा. और ये एक पास्टर कमाल का आदमी है कि नहीं? पर जब वो होएगा नहीं, अगर बहुत फूलिश है तो वो कहेगा नहीं होएगा होएगा, और पूछते हैं और पूछते हैं, तो और पांच चीजें लाइन में लगा देगा. सब जा रही है, कोई कोई सऊदी अरेबिया जा रही है, कोई तिब्बतू जा रही है, कोई कहीं जा रही है, कोई डायरेक्शन नहीं, समझे ना. लेकिन जो 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 जिसमें विजडम होगा वो कहेगा जो पहली बात बोली गई मुझे, सर वो हुई, ये आदमी में दम है, समझे ना, ये हेल्प करता है. और जिन जिन लोगों को विजडम होगा ना, वो स्वार्थी नहीं होंगे जनरली, और वो सबसे स्वार्थी नहीं होंगे, पैसे के भूखे नहीं होंगे, दूसरी बात. तीसरी बात सबसे बड़ी बात है, वो रिलक्टेंटली अपना विजडम आपको. ये आप तो विद्वान है हिंदी, तो जबरदस्ती तो क्या है कि क्योंकि विजडम किसी को एडवाइस देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फूलिश आदमी को थोड़ी समझ आती है, लेकिन जिसको पता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो थोड़ा रुक जाता है. मूसा रुक गया, कितना रुका? One of the biggest people after Jesus and Musa. उसने एरन से बुलवा दिया अपना. उसने कहा, प्रभु ने कहा, चल तेरे को लिए मैं एरन को माउथपीस बनाता हूं. वो कहता है, मैं बोल नहीं सकता, मैं स्टटर करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि उसको पता था रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है. स्पीच प्रॉब्लम. डरटराना नहीं, थतलाना. डरटराना तो बेटा हो गया था.
तो ये आप देखिए जो 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 वाइज मैन होएगा वाइज वुमन होएगी ना वो आपको बैठने हुए कि बा आप विजिटर लीजिए मेरा शब्द करके मैं बोलेगा ना आपको मालूम पड़ जाएगा ना ये मेरा दोस्त होता था मेरे को पूछना जिसने पूछा बनता था वैसा करके वो मेरे को पूछना तो क्या तीन चार बातें मैंने बोली जो अगर आप किसी से कुछ पूछने जाते हैं ना बोली प्रभु मेरे से फूलिशनेस रिमूव कर मेरे को डिसर्नमेंट दे के मैं सही आया था वह और जो एडवाइस मुझे मिले प्रभु उसको मैं ध्यान से और अगर आप एडवाइस देने जा रहे हैं तो एडवाइस देने वाला जो सोच समझ के आराम से एडवाइस दे ऐसा नहीं कि ऐसा कर दो ये ले लो विटामिन बी ले लो ऐसा नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर मैं किसी को बोलता हूँ अब इसमें इम्प्रूवमेंट है हर बात आप शुरू में बहुत पर मैंने कभी ये नहीं कहा ये हील जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया ये अच्छी है पर खतरनाक भी अच्छा खतरनाक है जी बार ओगलम में चावला जी नहीं है यहाँ से तो एवरीबडी एंड जनरली पीपल विद विजडम आर ओपन मतलब जो मुंह पे है वो दिल छुपाने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग जो मुझे देख रहे हैं मैसेज का मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए बताइए क्या सीखा आपने तिवारी जी कंचन जी अर्जुन जी सबका स्वागत है अनु सिंह जी यू ऑल्सो स्टे ब्लेस्ड सतविंदर जी एमैन सोनू जी नितिन जी डेजी विलियम जी प्रेज द लॉर्ड डेजी अनु सिंह हालेलुया और सब लोग जो जुड़ रहे हैं लिली वरसवाल जी प्रेज द लॉर्ड कैसी है बेटा सुरेंद्र सिंह पॉल जी डेजी विलियम जी अनुज पी जी मैंने शायद आपकी रिसेंटली अनुज जी आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों मेरे मेरी भरी रहती है तो मैंने अभी आपको एक्सेप्ट कर लिया है शायद अनुज पी जी राजा कुंडल जी ऑगस्टिन दास जी so nice to be live with you Augustine it's been ages since we connected if you're watching this program call me if you do not have my number just whatsapp I think you have my telephone fb inbox me and I'll inbox you my number I'm talking to Augustine all right Augustine thank you I tell you Qasir Khan ji Daljeet Singh Sonu ji when Barbara ji Holy Spirit yeah when Barbara it's Holy Spirit guidance right you are Amen Lily Hallelujah Daljeet Singh Sonu ji so there we go कुछ लोग सोचते हैं कि जोर से चिल्लाएंगे तो उनको विजडम आ जाता है बहुत सारे वर्ड्स बोलेंगे तो विजडम आ जाता है मैं आपको कुछ सिंपल बात बताता हूं जो मैंने भी सीखी ओवर द इयर्स मैं गाड़ी लेके जा रहा था तो ऐसे गाड़ियां खड़ी हुई थी और उठा लो टैक्सी ड्राइवर ने एक बीच में गाड़ी खड़ी करी हुई दो रिएक्शन बताता हूँ अरे तेरा दिमाग खराब है तेरा टैक्सी खड़ी तेरा दिमाग खराब है कि तू कौन झगड़ा तो अगर मैंने उसको जाकर पूछा सपोज कि भाई दुनिया को क्यों तंग कर रहे हो इतना एक सेंटेंस गाड़िया तू बीच में सॉरी निकाल के लेगी है कि नहीं हॉर्न मारा जा रहा पीछे से हॉर्न मारा जा रहा है तो मैंने रोक दी गाड़ी
मैंने कहा ऊपर से जा कितनी बार मैं कर अभी अंगद ने भी सीख लिया हम लोगों का ये हो गया मैं उसको गाड़ी दिखाता हूँ सामने मैंने सामने की गाड़ी दिखाता हूँ फिर बोलता हूँ अभी सामने गाड़ी है मैं तो उड़ नहीं सकता मैंने कहा तू उड़ के जा तो वो इधर देखते सॉरी सामने गाड़ी है मैं आऊं तू हॉर्न बजाया था जा तो उड़ के ही जाना कुछ होएगा ना तेरे पास ऐसा कुछ बटन बटन जूम करके उड़ जाएगा Luke 2:40. Don't carry your achievements, even your religion, even Jesus on your sleeve. Use wisdom. Anything on the sleeve is exposed and it's not very precious. Precious things are around the neck, around the heart at times. Precious things. You know? चलो चूड़ी वूड़ी ठीक है फ्रेंडशिप बैंड है और समथिंग रियली प्रेशियस अ डायमंड वेयर यू विल पुट ऑन योर रिस्ट नो यू पुट इट ऑन योर हार्ट इट विल कम हियर एग्जैक्टली ऑन योर हार्ट लेट पीपल वॉन्ट व्हाट यू हैव जो लोग मुझे दिख रहे हैं जो आपके पास है वो लोगों को मांगना चाहिए तब वो उसको रिसीव करते हैं तब वो रिसीव करते हैं आप देना चाहेंगे बोलेगा ये बेवकूफ जबरदस्त तो कुछ नहीं बट देन व्हेन दे सी समथिंग स्पेशल इन यू दे वांट इट देन दे कम एंड लिसन टू यू विद फुल तारा हर जगह जाके बोल रहा है मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूं रोके दिखाऊं हंस के दिखाऊं कॉमेडी फाइट सीन बोलेगा यार इसको यार प्लीज यार वो नहीं यार बचाओ मुझे है कि नहीं है कुछ लोग होते हैं ऐसे स्ट्रगलर मैंने देखे फाइट सीन सर इमोशन यार हाथ तो हटा ले यार इमोशन तो देखूं डांस मैं जू में जब बैठता था वी शुड सी दिस कम एंड दिस शुड स्टार्ट डेमोंस्ट्रेटिंग देयर गिफ्टिंग्स ऑफ एक्टिंग रोने से पहले बाथरूम में जाता था ग्लिसरीन डाल के बट इफ यू रियली हैव अभी अंगद एंड आई वर टॉकिंग द अदर डे ऐसे जैसे टैलेंट की इंडस्ट्री में एक एक्सप्लोजन हुई पीपल वर नॉट लाइक वेरी गुड लुकिंग लेकिन ये अभी जैसे आई सी दिस गर्ल आई थिंक शी इज गोइंग टू अर्न ऑस्कर फॉर इंडिया आलिया भट्ट व्हाट अ ट्रेमेंडस गाय तो दिखता है ना सामने तो आदमी बोलता है वी वॉन्ट टू सी हर जब आप में कुछ होगा देखने लायक तो दुनिया देखना चाहेगी आमेन बट अगर आप में है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दैट इज इवन सैडर दैट इज द सैडेस्ट थिंग व्हेन वी मीट जीसस ही से आई गिव यू सो मच आई गिव यू द राइट पीपल टू टीच आई गिव यू द राइट एनवायरमेंट आई गिव यू द राइट टीचिंग व्हाई डिड यू नॉट यूज देम फुली और व्हाई डिड यू स्टॉप यूजिंग देम और व्हाई डिड यू डाइवर्ट फ्रॉम देम और व्हाई डिड यू डाइल्यूट देम Or why did you make 3 theories out of 1? The way to reach God, Jesus. Empowerment, Holy Spirit,
किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, फादर इन हेवन, क्या कंफ्यूजन? Corinthians 1:24. एक कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 24वीं आयत। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की। 1 Corinthians 1:24. परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। Christ is wisdom. Amen. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. How do you know I'm a man of God? By the anointing upon me. Whether it be for the word, whether it be counseling, whether it be for anything. Where does the anointing come from? From Christ. अभी आप इसको confuse करोगे worldly way में कि मैं इधर से भी एडवाइस ले लू, मैं उधर से भी एडवाइस ले लू, थोड़ा होली स्पिरिट का एडवाइस भी ले लू, पर सबको मिक्स करके कोई अपना कंक्लूजन निकालू तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। थॉट लाइफ में प्रॉब्लम होगी आपको, सोच में प्रॉब्लम होगी आपको, बिकॉज यू आर डाइल्यूटिंग थिंग्स। क्राइस्ट इज द विस्डम, क्राइस्ट इज द विस्डम, क्राइस्ट इज द। मेरे को 9 साल लोग बताते रहे, बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े विज्ञान, बहुत जमे हुए लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी समझाते रहे, नहीं सम मैं समझा नहीं, समझना नहीं चाहता। एक बार यीशु मसीह मेरे पास आया, कहता आई एम जीसस, बात खत्म हो गई वहां पे, इट ऑल एंडेड ओवर देयर, वंस आई एम जीसस। Yes, it's Jesus. That's how it works. Conviction जो प्रभु से आती है ना, ये जो 12 आदमियों ने दुनिया को उल्टे से सीधा कर दिया, 12 लोग थे प्रभु के साथ, सत्य को सुनिए, डिसर्न कीजिए। आप सब मेरी बातें वेडनेसडे को सुनते हैं, संडे को सुनते हैं, बीच में एक आध कुछ और भी हो जाता है, फिर अपनी डिसर्नमेंट सिर्फ बाहर मत रखिए, चर्च में भी रखिए। वही डीप बात है, आपको भी तो अक्ल है ना कुछ। आप ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया तो अपना दिमाग दुकान बिल्कुल बंद कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप सीख रहे हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो बाहर भी रखिए और चर्च में भी रखिए। चलिए जी, उसकी समाप्ति की तरफ आते हुए मैं आपको बोलता हूं, देखिए भैया, अभी हमारे बहुत प्रिय बहन हमारी प्रभु के पास चली गई, गॉड ब्लेस। और तो कल मैं जब बोल रहा था तो फिर मैंने एक्चुअली देखा यार साथ में क्या ले जाओगे। सिकंदर मेरा ख्याल, उसने बोला था कि मेरे जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ बाहर रखना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, कि जब मैं गया तो खाली हाथ। यहां पे आप सब कुछ करिए करिए, लेकिन रियलिटी एक है जो मैं फिर से बोलता हूं, नो अमाउंट। मैंने ये 20 साल पहले शायद शुरुआत की मिनिस्ट्री में बोला था, इलाहाबाद में खड़ा होकर, आज फिर बोलता हूं, No amount of cleverness will work when you stand in front of Christ our Lord. कोई भी चतुराई नहीं चलेगी जो यहां पे चली, शायद लोगों के साथ चली, शायद प्रभु के लोगों के साथ चली, चतुराई जो आप सोचते थे चतुराई थी, वो प्रभु यीशु के साथ में कतई नहीं चलेगी। तो मैं बुलाता हूं आप सबको फिर से रूह से, जो अपोस्टल्स का चर्च था, जो पॉल साहब का चर्च था, जो अब होली स्पिरिट पेंटिकॉस्ट था, और जो यहां पे पावर ऑफ लव में है, जो अनॉइंटिंग प्रभु,
प्रार्थना करता हूँ प्रभु के उसी अभिषेक के द्वारा, बाकी चीजें छोड़िए, बातें वाते सब अच्छा एंजॉय, लिव अ हैप्पी लाइफ, जज योरसेल्फ एंड डोंट बी जज, नो हु हैज द विजडम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड यूज दैट विजडम एंड यूज योर विजडम. सो ना मैं अवेलेबल हूं, आई एम गेटिंग लिटिल ओल्डर, पहले मैं पढ़ा कुछ, लेकिन माय नंबर इज विद ऑल ऑफ यू. मैं किसी को आज बोला नहीं मेरे को फोन नहीं करना पड़ता नहीं बोलता ना मैं. तो फिर अगर आप मेरे को थोड़ा सा ये भी चल रहा, पर मेरा कभी मत ये एक शैतान आपको बोलता नहीं नहीं जाने दो, हम मास्टर्स बाहर हैं तो बिना जल्दी से किसी से भी पूछ. So my number is there. I will think and pray for whatever you tell me. Don't lose your connect. I may be ill, I may be, but I am all there for you. I'll call you home, or wherever I meet you here or something. But understand some things which are deeper than what I'm saying. God bless you. जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु और यहाँ बैठे हैं जो प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए प्रभु, विजडम के लिए प्रार्थना करता हूँ, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक दिल के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु. प्रभु हमारे मेरे साथ जितने लोग जुड़े प्रभु वो पानी से भरे बादल हो, खाली बादल ना हो प्रभु. प्रार्थना करता हूँ प्रभु वो बड़ी नई नई थ्योरीज में जाने वाले ना हो, पर एक थ्योरी जो हमारे को सिखा के गई है बाइबल और पॉल सिखा के गए, यीशु मसीह सिखा, एक प्रभु थियोलॉजी प्रभु हमारी, के प्रभु ने बोला है कि जो मैंने किया तू करेगा, प्रभु ने बोला है कि मेरे से ज्यादा करेगा, तुम लोग ज्यादा होंगे. मैं एक था एक टाइम पे, मैं गुलाबा में एक टाइम पे हो सकता था, पर अभी यहाँ पे जो मेरे लाखों करोड़ों शिष्य हैं वो पूरी मुंबई में हो सकते हैं. मेरी प्रार्थना है प्रभु के सी की वेव की तरह नहीं होंगे लोग, समुद्र की लहर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे प्रभु, स्वार्थी नहीं होंगे प्रभु, प्रभु सीखेंगे प्रभु, सीखने की इच्छा रखेंगे प्रभु, और हर एक का पावर ऑफ लव में मैच्योरिटी लेवल ऊपर जाएगा, जो मुझे देख रहे हैं उनका मैच्योरिटी लेवल देखा जाएगा, बिटवीन द लाइन समझेंगे प्रभु लोग, बिटवीन द लाइन समझेंगे प्रभु, और समझेंगे प्रभु असली में अच्छा क्या है उनके लिए प्रभु. प्रार्थना है मेरी प्रभु कि अपनी कृपा से भरिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु, रबारी हर बीमारी चले जाए प्रभु. किसी के गोडे में बहुत दर्द है जो मुझे देख रहा है, आप लिखिए कमेंट कीजिए, जो अभी मुझे देख रहा है या देख रहा था उसके गोडे में बहुत जबरदस्त दर्द है, और कोई मुझे देख रहा है जिसका लेग लॉक हो जाता है, वो ऐसे मुड़ जाता है तो खुलता नहीं और बहुत दर्द होती है, आप हील हो रहे हैं अभी यीशु मसीह के नाम से प्रभु. शुगर वालों पे भी कृपा कर रहा है प्रभु, जिनको शुगर है प्रभु, प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु किसी गले में प्रभु फूड पाइप पता नहीं कैसे छोटी होगी तो खाना नहीं जाता है अंदर, तो प्रभु उस फूड पाइप फूड को ठीक कर रहा है प्रभु, फूड पाइप को ठीक कर रहा है प्रभु. प्रभु एक मेरे को पता नहीं ब्रेन में प्रभु एक डॉक्टर वृंदा नहीं है कुछ पैटर्न चलता है ब्रेन का किसी का, वो समथिंग इन द ब्रेन वेयर एकदम थॉट सोचते सोचते थॉट्स जो है एकदम वियर्ड हो जाते हैं प्रभु, एकदम एकदम वियर्ड हो जाते हैं प्रभु. प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि एकदम थॉट लाइफ ठीक चल रही होती है और फिर एकदम स्कैटर्ड या बिल्कुल वियर्ड हो जाते हैं, और बिल्कुल कभी कभी प्रभु गंदे ख्यालों में बदल जाते हैं, अच्छी चीज ही गंदी में बदल जाती है प्रभु, उसको स्पिरिट को बाइंड करता हूँ मैं प्रभु. घरों को स्वच्छ कीजिए आज प्रभु, हर जाल टोने को तोड़िए प्रभु, हर जनरेशनल कर्स को तोड़िए प्रभु. प्रार्थना करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं जितने यहाँ बैठे हैं प्रभु दुनिया भर में प्रभु के घरों में प्रभु हर बंधन टूट रहा है, आप रिसीव कीजिए. Houses, families are being set free from false teachings, from false prophecies, from false teachers. Right now, I pray, Father God, if one watching me will find the right shepherd. In Jesus' name I pray. God bless you. Bye-bye. Thank you.